नमस्कार दोस्तों, आज हम पर धातु का उच्चारण और प्रत्यय समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उच्चारण समझ लेते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष, पठति पठतः पठन्ति मध्यम पुरुष, पठसि पठतः पठथ उत्तम पुरुष, पठामि पठावः पठामः। अब रूट लकार प्रथम पुरुष, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति मध्यम पुरुष, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यतः उत्तम पुरुष, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब लंग लकार प्रथम पुरुष, अपठत अपठताम अपठन मध्यम पुरुष, अपठः अपठतम अपठत उत्तम पुरुष, अपठम अपठाव अपठाम। अब लोट लकार प्रथम पुरुष, पठतु पठताम पठन्तु मध्यम पुरुष, पठ पठतम पठत उत्तम पुरुष, पठानी पठाव पठाम। अब विधिर्लिंग प्रथम पुरुष, पठेत पठेताम पठेयुः मध्यम पुरुष, पठेहे पठेतम पठेत उत्तम पुरुष, पठेयम पठेव पठेम। अब हम प्रत्यय समझ लेते हैं। सबसे पहले लट लकार, और यहाँ हमने जो प्रत्यय बनाए हैं थोड़े से अलग और आसान तरीके से बनाए हैं, जिससे आपको आसानी समझ में आए। तो चलिए लट लकार, अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवह आमह। चलिए अब उससे कैसे क्रियापद के रूप बनाते हैं वो समझ लेते हैं। पठ प्लस अति, तो यहाँ देखिए ठ हलंत है, उसके आगे अ, तो दोनों मिल जाएंगे, ठ पूरा हो जाएगा और बाद में ति जुड़ जाएगा, तो पठति इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको क्रियापद लेना है और उसे ये प्रत्यय जोड़ देना है, तो आसानी हो जाएगी। तो चलिए, पठ प्लस अति पठति, पठ प्लस अतः पठतः, पठ प्लस अंति पठन्ति, पठ प्लस असि पठसि, पठ प्लस अथ पठथ, पठ प्लस अथ पठथ, पठ प्लस आमि पठामि, पठ प्लस आवह पठावह, पठ प्लस आमह पठामह। अब लूट लकार, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यतः इष्यथ, इष्यामि इष्यावह इष्यामह। यहाँ भी आपको सीधे प्रत्यय जोड़ते जाना है, जिससे आसानी से आप क्रियापद के रूप बना सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पठ प्लस इष्यति, ठ अलंत है, उसके आगे ई है, तो ठी बन गया और बाद में जोड़ दिया, तो पठिष्यति बन गया। उसी तरह से आगे भी, पठ प्लस इष्यतः पठिष्यतः, पठ प्लस इष्यन्ति पठिष्यन्ति, पठ प्लस इष्यसि पठिष्यसि, पठ प्लस इष्यतः पठिष्यतः, पठ प्लस इष्यतः पठिष्यतः, पठ प्लस इष्यामि पठिष्यामि, पठ प्लस इष्यावः पठिष्यावः, पठ प्लस इष्यामः पठिष्यामः। अब लंग लकार के प्रत्यय समझ लेते। अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। यहाँ लंग लकार के प्रत्यय में आपको क्या करना है, ये प्रत्यय सीधे क्रियापद के बाद जोड़ देना है, मगर क्रियापद के पहले आपको अ लगाना है। जैसे देखिए हमने कैसे किया है, यहाँ आप देख सकते हो, अ पहले लगाया, अ प्लस पठ प्लस अत। तो लंग लकार में हमेशा क्रियापद के पहले अ लगाना ही होता है, ये ध्यान में रखना है। यदि क्रियापद की शुरुआत स्वर से, तो आपको वह संधि करना है, तो यहाँ तो क्रियापद के पहले तो प है, मतलब व्यंजन है, तो सीधे जोड़ देना है, बाकी कोई नहीं, आसानी है। अ प्लस पठ प्लस अत अपठत, अ प्लस पठ प्लस अताम अपठताम, अ प्लस पठ प्लस अन अपठन, अ प्लस पठ प्लस अह अपठह, अ प्लस पठ प्लस अतम अपठतम, अ प्लस पठ प्लस अत अपठत, अ प्लस पठ प्लस अम अपठम, अ प्लस पठ प्लस आव अपठाव, अ प्लस पठ प्लस आम अपठाम। इस तरह से रूप बन जाते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखना है, लंग लकार में हमेशा क्रियापद के पहले अ जोड़ना है। अब लोट लकार के प्रत्यय समझ लेते। अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनी आव आम। यहाँ भी आपको सीधे क्रियापद को प्रत्यय जोड़ देना है, जैसे हमने यहाँ किया है, आप देख सकते हो, पठ प्लस अतु पठतु, यहाँ भी ठ के आगे अ है, तो ठ पूरा हो गया, पठतु, पठ प्लस अताम पठताम, पठ प्लस अंतु पठन्तु, पठ प्लस अ पठ, पठ प्लस अतम पठतम, पठ प्लस अत पठत, पठ प्लस आनी पठानी, पठ प्लस आव पठाव, पठ प्लस आम पठाम। अब विधिर्लिंग के प्रत्यय समझ लेते हैं। एत एताम एयुः, एहे एतम एत, एयम एव एम। तो चलिए इन प्रत्ययों से क्रियापद के रूप कैसे बनते हैं वो समझ लेते हैं। पठ प्लस एत पठेत, तो यहाँ क्या किया है, ठ प्लस ए किया, तो ठे बन गया और बाकी त जोड़ दिया, पठेत इस तरह से। पठ प्लस एताम पठेताम,
पट प्लस एयुहु पटेयुहु, पट प्लस एहे पटेहे, पट प्लस एतम पठेतम, पट प्लस एत पठेत, पट प्लस एयम पठेयम, पट प्लस एव पठेव, पट प्लस एम पठेम। इस तरह से बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ वो प्रत्यय जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। धन्यवाद।